से ये मुहे पुर्तगाली आए हैं, आग लग गई है बाजार को। 4 पैसे के 12 आम, क्या कोई बेचे और क्या कोई कमाए। अरे ओ किरनी, अरे कहाँ मर गई है तू? भाग निशा भाग, मार देगी तो मार चलेगी। यहाँ मर रही हूँ माँ। अच्छा, खाओ खा के गोंगलू हो रही और काम करने को मौत आती है। चलो उठ, तू काम कर। हाल काम मांगती हैं। दे दे। हाँ दे दो। तो हमारी गुल्ली, पहले हमको सलाम करो। क्यों? हम पुर्तगाली हैं। हिंदुस्तानी है, इसीलिए हमको सलाम करो। नहीं करती। नहीं करती? दीदी दीदी, भागता है तो रुकता नहीं, रुकता है तो भागता नहीं। तो कैसे? आप भी रोक लीजिए ना। लग रहा है? डरता कौन? देखना कहीं फिसल न जाना। तुम अपने आप को संभालो। हाँ, हाँ।
अब संभलना मुश्किल है। कौन है तुम? हाँ तो शिकारी, लेकिन आज खुद शिकार हो गया। तो फिर अनाड़ी हो क्या? तुम्हारा भी लुटेरों से वास्ता पड़ा? इनसे तो बच गया, लेकिन एक और लुटेरे का सामना हो गया। फिर बस लुट गए। तलवार क्यों होते? अजी हुजूर, तीर के आगे तलवार की क्या मजाल है? तुम तो अपने घोड़े से भी तेज हो। चुटकी में कहां से कहां पहुंच गए? अरे हाँ, जान बचाने का शुक्रिया तो अदा कर जाओ। जरा सामने आ, जरा आँख मिला, जरा सामने आ, जरा आँख मिला, तेरा शुक्रिया तो दुआ दा। जरा आँख मिला, तेरा शुक्रिया कर दूँ अदा। ऐसे न मचल मन जाए न कुचल, तेरा दम ही निकल जाए न। देख चलना पासवा सिखा दो तुझे गिर के संभालना, तुझको बता दो राह देख देख चलना। ऐसे न बचल मन जाए न कुचल, तेरा दम ही निकल जाए न। जरा सामने आ, जरा आँख मिला, तेरा शुक्रिया कर दूँ अदा। ऐसे न बचल मन जाए न कुचल, तेरा दम ही निकल जाए न। जैसी काली मोटी सख्त हिंदुस्तानी खान नहीं है, ये पुर्तगाली चमड़ी है। नाज़ुक मुलायम सफेद दालिका मुस्यू। क्या खबर लाए? सब मुजरिम पकड़े गए हजूर, और उन्हें कोड़े लग रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब कार्परल। कार्परल? लेकिन रमजान अली का क्या हुआ? उसके पीछे भी जासूस छोड़ गए हजूर, और वो आते ही होंगे। एसलेंसी, एसलेंसी के पिताओं
कैपिटान सिंह सिंह कैपिटान लेकिन इतना ख्याल रखना जितनी देर कॉर्पोरल से कैपिटान बनने के लिए लगती है उतनी देर कैपिटान से कॉर्पोरल बनने में नहीं लगती सिंह एक्सलेंसी एंट्री तुम्हें भी पूछने की जरूरत है आप राजमहल में जा रहे हैं राजकुमार से मिलने तुम भी जाना चाहती हो अगर आप चाहें तो लेकिन आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते यही समझना तो मुश्किल है दुनिया में आसान क्या है जीता पिंजरे का दरवाजा खोल देना मालूम होता है तो मालाबार सब कर गई हो और पुर्तगाल वापस जाना चाहती अपने उसी पुराने माहौल में जहां से मैं तुम्हें निकाल के लाया था खैर तुम खुश से वापस जा सकती हो हम अपने तजुर्बे की डायरी में एक नई बात लिख लेंगे क्या लिख लेंगे हुजूर यही कि मालाबार के ताजो तख्त ने जब एक औरत का दरवाजा खटखटाया तो वो घर में नहीं थी आपका मतलब है उसे इंतजार करना चाहिए जरूर लेकिन कब तक क्या एक जनरल के लिए नजमी होना भी लाजमी है बातों में तो आपसे कोई नहीं जीत सकता शुक्रिया हाँ कल एक जहाज पुर्तगाल जा रहा है कहो तुम्हारा इंतजाम कर दूं तो फिर ताजो तख्त किसका दरवाजा खटखटाएगा हजूर उसी का जो अपना काम पूरा करने की कोशिश में लगी रहेगी राजकुमार अच्छा हुआ आप आ गए राजमाता बहुत परेशान थी क्यों ऐसी क्या बात गुस्ताखी माफ राज तिलक होने से पहले आपको राजगद्दी से इतनी दूर नहीं जाना चाहिए वरना वरना मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा न जाने मुझे आपसे इतनी क्यों मोहब्बत दुनिया की नजरों में हम चचेरे भाई जरूर हैं लेकिन मैं आपको अपने सगे भाई से भी ज्यादा चाहता हूँ क्यों नहीं मैंने कहा जरा जनरल बारबोसा से होशियार रहिएगा बड़ा खतरनाक आदमी और आपकी गैर हाजिरी तो अक्सर महसूस किया करता है लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है जब तक जशवंत जिंदा है आपका कोई बाली बाका नहीं कर सकता मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी मां जीते रहो बेटा बहुत जल्द लौट आए मां मैं शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया था इसीलिए देर हो गई प्रजा जुल्म का शिकार हो रही है और राजकुमार को शिकार से फुर्सत नहीं मां तुम्हारे हर तरफ दुश्मन है बेटा और सबसे बड़ा दुश्मन तो घर में मौजूद है तुम्हारा चचेरा भाई जशवंत हाँ जशवंत जो तुम्हारे पुर्तगाली दोस्तों से मिलकर राजगद्दी के ख्वाब देख रहा है मैं ये नहीं मान सकता तो क्या ये भी नहीं मानोगे कि तुम्हारी लापरवाही से प्रजा पर नित्याय जुल्म तोड़े जा रहे हैं तो सुनो
भी आंखें खोलो बेटा, दुश्मन तूफान बनकर रियासत पर छा रहे हैं। शाह पुर्तगाल की तरफ से मैं आपकी खिदमत में दोस्ती का पैगाम पेश करता हूँ। शाह पुर्तगाल को हमारी तरफ से उनकी मेहरबानियों का शुक्रिया देते। मैं राजमाता का पैगाम बड़े शौक से पहुँचाऊंगा, लेकिन क्या ये मैं पूछ सकता हूँ कि राजकुमार का पुर्तगाल जाने के लिए आपने क्या फैसला किया है? मैं राजकुमार का इस वक्त रियासत से दूर जाना ठीक नहीं समझती। लेकिन मैं इसका सबब जान सकता हूँ? कौन नहीं जानता कि आज रियासत में क्या कुछ नहीं हो रहा, चारों तरफ बेचैनी फैली हुई है। राजमाता, इसे दबाना मेरा काम है। कोड़ों से? सी सर, सी, और अगर जरूरत पड़े तो तलवार से भी। यही तालीम हासिल करने के लिए मैं आपको पुर्तगाल भेजना चाहता हूँ। लेकिन अब तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि राजतिलक के लिए पुर्तगाल जाने की शर्त क्यों? ये शर्त नहीं, रस्म है जो आपके पिता भी अदा कर चुके हैं। राज तिलक से पहले शाह पुर्तगाल की सलामी बहुत जरूरी है। लेकिन राजमाता, वो चंद्रमा 12वें स्थान में आए है, इसका वास्ते राजकुमार को जल यात्रा का मुहूर्त अच्छा नहीं है, ऐसा अपने ज्योतिष बोलते हैं। ज्योतिष मुहूर्त? राजमाता, गुस्ताखी माफ, यही चीजें हिंदुस्तान को ले डूबे। जब सिकंदर ने दुनिया को फतह किया, उसने किस ज्योतिषी की मदद ली? और जब कोलंबस ने नई दुनिया को मालूम किया, कौन सी मुहूर्त निकलवाई थी? और हम जब यहां आए, किससे पूछ के आए थे? कम से कम राजकुमार को इन फजूल बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। पुर्तगाल का जहाज तैयार है, आप चलने की तैयारी कीजिए। निशा, परेशान ना हो, अभी आ जाएंगे। रमजान चाचा को गिरफ्तार करने का ऐलान हो गया। ऐलान हो गया है? वो कहाँ है? अंदर। तुम कश्तियों का इंतजाम करो, मैं उनको लेकर अभी आता हूँ। जाओ। ओके। रमजान, जल्दी, वो तुम्हें कैद करने आ रहे हैं। लेकिन नारायण भैया, तुम अपने आप को मेरे लिए इतनी मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? ये बातों का वक्त नहीं रमजान, जल्दी। ए लड़की, नारायण दास का मकान कौन सा है? Thank you.
कोई फायदा नहीं, हमें राजमहल जाना चाहिए। राजमहल में क्या होगा, हमें यहीं रहना चाहिए। बारबूसा किसी की नहीं सुनेगा। खामोश। बेटा तुम राजमाता के पास जाओ, वो तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेगी। जाओ बेटा जाओ। स्विट्जरलैंड से सब मुझे हाजिर है। तू देखा हजूर कितने सरकश हैं ये लोग, आपके सामने आकर भी सर नहीं झुकाते। झुकाओ। तो ये हैं वो दो। रैंदास, तुमने रमजान अली को अपने घर में पनाह दी और ये जानते हुए कि ये जुर्म है। बेबस मजदूर को पनाह देना मैं इसे जुर्म नहीं समझता। लेकिन हम समझते हैं, इसने रियासत की पैदावार हमारे दुश्मन ज़ैमूरिन के हाथ बेची है। हाँ बेची है, और क्यों ना बेचता, जबकि हमारे बुजुर्ग सदियों से बेचते आए हैं। लेकिन अब कोई नहीं बेच सकता, क्योंकि मालाबार में तिजारत का हक रियासत ने पुर्तगालियों को दे दिया है। लेकिन खुशी से नहीं, मजबूरी से, जुल्म से तंग आकर। क्या पुर्तगाली जुल्म कर रहे हैं? जुल्म? इसको भरे बाजार में कोड़ों से पीटा गया, सिर्फ इस कसूर पर कि उसने आपके एक मामूली सिपाही को सलाम नहीं किया। इस बेचारे की जबान खींच ली गई, इसलिए कि इसने अपना मजहब बदलने से इनकार कर दिया। तुम्हारे सिपाहियों ने इसकी आंखों के सामने ही इसकी बेटी की इज्जत उतारी, क्या यह जुल्म नहीं? इस जुल्म की आग ने अब सारी रियासत को घेर रखा है। कोई शहर, कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं रहा जिससे शोले ना निकल रहे हों। और तुम इन शोलों को बुझाना चाहते हो? नहीं, अब तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये शोले इतने भड़के, इतने फैले, सारा मलाबार इनकी लपेट में आ जाए। मैं भी जलूं, रमजान अली भी जले, और तुम सब पुर्तगाली जल का खाक तैयार हो जाओ। खामोश। कैपिटान, देखिए हुजूर ने इनकी जुर्रत, पुर्तगालियों की बुराई और हुजूर के मुंह पर, आखिर इतनी जुर्रत इनके दिल में भरी किसने? तुम्हारा इशारा राजकुमार रवि की तरफ है? जी हाँ, जिसे आप राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं, और इसीलिए उसे पुर्तगाल भेज रहे हैं। हालांकि जाने के लिए तुम भी तैयार हो। लेकिन हुजूर को मेरा जाना मंजूर था सर, जैसा हुजूर मुनासिब था। लेकिन इतना कह देता हूँ, कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन, इसका जरूर ख्याल रखें। छोड़ दो इसे। क्या हुआ बेटी, कौन हो तुम? एक मुस्लिम। किसने जुल्म किया है तुम पर? मालाबार में आज एक ही जालिम है, बारबोसा, जिसके जालिम सिपाही हमारा घर जला के मेरे बूढ़े बाप को घसीट के ले गए हैं। उसे बचाइए। क्या जुर्म था तुम्हारे बाप का? मालाबार की मोहब्बत। क्या मतलब? मेरे बाबा ने रमजान अली को पनाह दी थी। रमजान अली? तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। राजमाता! मैं बारबोसे के मामले में दखल देना नहीं चाहती। क्या आप नहीं चाहती है कि एक गरीब को फांसी भी चढ़ा दिया जाए? क्या आप नहीं चाहती है कि एक गरीब को सच्चाई के जुर्म में मार दिया जाए? क्या आप नहीं चाहती है? लड़की, मैं आपके बाप बढ़ती हूँ, मुझे मायूस कीजिए। मैं अपने बाप की जिंदगी आपसे भीख मांगती हूँ। मैं मजबूर हूँ बेटी।
सब दरवाजे बंद है हुजूर। किसी को बुलाने की कोशिश ना करना। खबरदार। कौन हो तुम? निशा नारायण दास की बेटी। नारायण दास? क्या चाहती हो? अपने बाप की रिहाई तीर की नोक से। हाँ आ, आ, के पिताओं। मालूम होता है आज मालाबार की औरतों ने जनरल बारबोसा को घेर लिया है। टालने की कोशिश न करो, रिहाई का हुक्म दो। सिंह जी। और हाँ याद रहे, जरा भी धोखा देने की कोशिश की तो ये 30 सीने के आस पार हो जाएगा। एक दिले एक चालाक। हाँ बोश। देख रहे हैं हुजूर? डूबता हुआ सूरज। उभरते हुए चांद को नहीं देखिएगा? कहाँ? यहाँ। तो गोया चांद जमीन पे उतरा है हुजूर। जरा दूर। तो फिर सीख तू हमारी तहजीब। क्यों? पुर्तगाली तहजीब के मुताबिक आपको मेरा हाथ पकड़ना चाहिए और फिर आंखों में आंखें डालकर। हुजूर आइए, आप तो शर्मा रहे हैं। किसी को तो शर्मानी चाहिए हुजूर। अब बस चलिए। चांद तो देर तक देखने से दीवानगी का डर रहता है। अपने तेरे मुझे
लूटी गई। शैतान की कसम, देखने में तो वो जहाज बहुत मजबूत था, मगर दो गोले खाते ही लहरों पर लेट गया। ठीक उसी तरह जैसे लोग अफीम की गोली खा के लेट जाते हैं। जी हुजूर। अब तुम जा सकते हो। हुजूर, मैं खास जरूरत के लिए आया था। जरूरत? चंद गुलामों की। क्या मैं गुलाम बेचता हूँ? हुजूर, गुलाम तो मैं बेचता हूँ, आप तो गुलामों के राजा हैं, और आपके राज में कैद खाने कभी खाली नहीं रह सकते। क्या मतलब? मैं देख के आया हूँ हुजूर। क्या? बहुत से कैदी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। आपका खर्च बचेगा और मेरा काम बनेगा। कितने आदमी चाहिए? हुजूर, अगर हट्टे कट्टे और मजबूत हुए तो 15-20 से काम चल जाएगा। शैतान की कसम, सरासर धोखा। कम वक्त में सोना लेकर मर्सी भेज दी। चिल्लू, ये सब क्या उठा लाए? हड्डियों के ढांचे, कागज के पुतले जो फूंक मारते ही उड़ जाए, ऐसे गुलाम कौन खरीदेगा? तुम्हारा बाप कमजोर न होते तो गुलाम क्यों होते? खामोश। इन पुतलियों में एक गुड़िया भी है। और ये कबूतरी भी। नाम क्या है तुम्हारा? निशा। निशा? निशा नहीं, नशा। शैतान की कसम, देखते ही नशा हो गया। काटना भी जानती हो? आप अंदर जाओ।
मगर तुझे खिलौना नहीं समझूंगा मेरी नन्नी गुड़िया बोनी खीनिया तू बहादुर है इसीलिए तो तुझे यहाँ जगह मिली है मगर याद रखना आज तक जितनी औरतों ने यहाँ से भागने की कोशिश की है जानती हो उनका क्या हुआ बोरियों में बांध कर समुन्द्र में फेंक दी गई वो सब औरतें मुझे भूत समझती थी भूत वो सब मुझसे डरती थी मगर तू नहीं डरी इसीलिए तो मैंने तुझे पसंद किया है मेरी नन्ही गुड़िया Watch go, Alfonso! What do you have to do? Vinesca! I shall be your captain. Horses, Celia! I shall be. The pressure! Depressa! Dillu! Phek do inhe samandar mein! Lekin sabko nahi, inme jo bik sakte hain, niche alag le jao! हाफिज नारायण दास मुझे तो रंज इस बात का है कि मुझे बचाने के लिए तुम पर ये मुसीबत आई ना तुम मुझे पनाह देते और ना ये नौबत आती क्या फैसला नारायण दास मेरे बाबा को छोड़ दो छोड़ सकता हूँ अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो बोलो मंजूर है जल्दी बोलो वरना निशा तू मेरी आबरू डुबोकर मुझे बचाना चाहती है गुलाम और आबरू ले जाओ इस गुलाम मुझे मकान में नहीं देख सकती लेकिन तुझे देखना चाहिए अपनी वतन की बेबसी का हाल तुझे आंखें खोल कर देखना चाहिए ताकि तेरे दिल में जुल्म के खिलाफ जो चिंगारी पैदा हो चुकी है वो शोला बनकर भड़क उठे हंसो और जोर से हंसो शायद तुम्हारे कह कहे की आवाज इनके सोई हुई औरत को जगा दे और पांचो ले जाए सब को नीचे सब प्रेशर मारो और जोर से मारो शायद तुम्हारे कोड़े की जरूरत इनके खून में गर्मी पैदा कर दे बहुत जोश है बांधो इसे खबरदार जो इसे खाने पीने के लिए कुछ दिया
मैंने कहा हुजूर, हुजूर। दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? शुक्र है आपने सुन तो लिया। मेरे कपड़े दीजिए ना। आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं हुजूर? किसी को तो शर्मानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर ने मेरा कसूर माफ कर दिया। शुक्रिया। लेकिन हुजूर एक कहावत है कि माफ करने वाले कसूरों की गिनती नहीं किया करते। क्या मतलब? जरा फीता बांध दीजिए। बाज औरतें बड़ी ठीठ होती है। और मर्द शर्मीले। क्या पुर्तगाली मर्द फीते भी बांधते हैं? फीते छोड़ वो तो सैंडल के तस्मे भी बांधते हैं हुजूर। औरत कहे तो बड़े बेगैरत है। इसमें गैरत का सवाल नहीं हुजूर, ये तो पुर्तगाल का रिवाज है और आपको वहां रहना है। रहना तो पड़ेगा। तो क्या ये जरूरी नहीं कि आप वहां से रस्मों रिवाज से वाकिफ हो जाए? मसलन एक हसीन औरत आपको देखकर अपना रुमाल गिरा देती है। क्यों गिराती है? कहा ना हुजूर आपको देखकर। आप क्या करेंगे? मुझे क्या करना? उठा लेगी आप ही? नहीं हुजूर, वो रुमाल तो आप ही को उठाना होगा। उठाइए उठाइए। ऐसे नहीं हुजूर, जरा झुक के। ये मुझसे ना होगा। हम हिंदुस्तानी औरतों की इज्जत करते हैं लेकिन उनके सामने झुकते नहीं। आप तो बड़ी जल्दी रूठ जाते हैं सरकार। आगे क्या होगा ये तो सुनिए। वो रुमाल लेकर अपना हाथ आगे बढ़ाएगी, आप उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर चूमेंगे यूं रोजीटा और कहेंगे, आए मेरी रूह की राहत, मुझे इजाजत दे, मैं अपनी मोहब्बत का तोहफा तेरे कदमों में पेश करूं। रोजीटा फिर आप कहेंगे, हसीन मलिका तेरे हुस्न की तारीफ करने को जी चाहता है लेकिन अल्फाज नहीं मिलते। तेरी जुल्फे वो काली घटाए हैं जिन्हें देखकर तौबा का ईमान भी लड़खड़ाने लगता है। तेरे होठों की दिल फरेब मुस्कुराहट कलियों को फूल बना रही है। तेरी आंखें वो जहाज झिमटी के तरह क्यों चल रहा है? क्या हुआ है उन शैतानों को? वो दो दिन से भूखे हैं हुजूर। बस दो दिन से? उन्हें कोड़े खिलाफ कोड़े। वाई बाताऊ डिप्रेशन डिप्रेशन। चिल्लो मेरी गुड़िया का क्या हाल है? कुछ खाने को दिया उसे? आपके कहे बगैर कैसे देता हुजूर? नहीं दिया। शैतान की कसम तुम बड़े फर्मा बरदार गुलाम हो। मैं खुद जाकर देखता हूँ। सोचा मेरी नन्नी गुड़िया भूखी होगी। खा। नहीं खाओगी? अभी तक जिद पर अड़ी हो? शैतान की कसम हिंदुस्तानी औरतें बड़ी जिद्दी होती हैं, लेकिन हम भी बहुत जिद्दी हैं। किलो बहुत तेज शराब है।
जी, और दोबारा पीने की नौबत भी ना आएगी। क्या कहा? मेरा मतलब शराब बहुत तेज थी इसलिए नशा ज्यादा हो गया। नशा नहीं, निशा, 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 फिर रो है निशा। सिक्का पिता ना, निशा। Thank you.
सदा इंतकाम की मशाल आँख में जला के चल अबे मोटू तू तो जब्ती गया अरे ये भी खत्म लेकिन हम तो खत्म नहीं हुए अबे तो शराब को जहाज में जब तो तुम क्या करोगे अबे शराब को जहाज में जहाज को शराब दीदी जो मेरे दीदी कहा मुझे तुम ऐसा दीदी के सारे शर्म आती है क्या तुम अपनी बहनों की बेइज्जती का सदमा एक ही दिन में भूल गए क्या तुम्हारे कौन से जख्म एक ही दिन में भर गए मुझे मालूम न था कि तुम इंतकाम किया दुश्मन का फूट के बदले शराब से बचाओ दीदी क्या यही हथियार लेकर मैदान में उतरोगे क्या इसी तलवार से दुश्मन का गला काटोगे क्या इसी झाड़ से दुश्मन का बाल रोकोगे मैं माफ करो दीदी ऐसी गलती फिर कभी ना होगी तुम्हारी कसम दीदी हाँ दीदी मेरी कसम नहीं बल्कि शहीदों की खून की कसम खाओ और कहो जब तक हम दुश्मनों से बदला नहीं लेते चैन से नहीं बैठेंगे और कसम खाओ कि हम अपने वतन की खातिर अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे और जब तक जालिम पुर्तगालियों का सर नहीं कुचल देते हम सर नहीं उठाएंगे हाँ दीदी तो फिर बोलो दीदी की जय दीदी की जय दीदी जहाज ये फतेह की निशानी है फतेह की निशानी तो Thank you.
के हाथों तुझे कोई नहीं बचा सकता। हिंदुस्तानी होकर औरत से हाथ उठाते शर्म नहीं आती? छोड़ दो इसे। छोड़ दूं? ये क्या कह रही हो दीदी? पुर्तगाली दुश्मन को? क्या कहा? पुर्तगाली? वो तो मेरे मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन है। तो तुम पुर्तगाली नहीं? नहीं माता, मैं तो एक जट सौदागर की बेटी हूँ। अपने बीमार बाप को देखने मुल्क जा रही थी। दुश्मनों के जहाज में? क्या करती माता, कोई और जहाज मिल नहीं रहा था। किरनी, जहाज किनारे पहुंचते तक तो मैं अपनी निगरानी में रखना। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीदी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये देखना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम कैदी में भी छोड़ दूं? जी मैंने कहा तो फेंक दो उन्हें समंदर में। समंदर में? समंदर में नहीं। ठीक है, ये हल्की सजा है, तो जिंदा जला दूं। क्या कहते हो तिल्लू? क्यों दीदी? इंसानियत भी कोई चीज है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तुम ये क्यों भूलती हो दीदी कि दुश्मनों को बलिया में करने की हमने कसम खा रखी है? क्यों मीठी खाई? हाँ। तो फेंक दो इन्हें समंदर में। नहीं देने पानी में। ठहरो और इस बुड्ढे को एक कट्टी दे दो ताकि बारबूसा को मालूम हो जाए कि आज से बाद ने इंतकाम लेना शुरू किया है। ले जाओ इनको भी। लेकिन हमें क्यों फेंकना चाहते हो? हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी? हाँ भाई, सबसे पाव तक हिंदुस्तानी है। देखता नहीं काला चमड़ी है। पुर्तगाली जहाज में क्या कर रहे थे? कहाँ जा रहे थे? कौन हो तुम लोग? तुमसे मतलब? कौन है तुम्हारा सरदार? उसे बुलाओ। जी मैं। तुम इसे जानती हो दीदी? अच्छी तरह से। छोड़ता क्या, कोई देखता नहीं पहचान वाला है। मैंने तो यहाँ के सरदार को बुलाया था। मैं हूँ यहाँ के सरदार। सरदार या सरदारनी, कुछ भी हो यकीन नहीं आता। यकीन नहीं आता? चलो फेंक देने पानी में। देखते क्या हो, ले जाओ। मान जाओ ना भाई, पानी बहुत ठंड है, ककारा भी है। मान गया भाई, मान गया। दिल्लू ले जाए नहीं और लगा दो काम। अंधा हो गया क्या? अरे हम आपको देखता था। क्यों? किसी से बोलना नहीं कि आप राजकुमार है, नहीं तो हम पहला बोला जल यात्रा का मुहूर्त बहुत खराब है। चल चल। अरे बस ने सुन लिया तो अभी राज तिलक हो जाएगा। ऐसा मैंने भी झूठ बोलकर अपनी जान बचाई है। किसी से नहीं कहना कि मैं पुर्तगाली हूँ।
फिर तो हम जरूर बताएंगे। तो फिर आप भी तैयार हो जाइए। अच्छा बाबा, अच्छा अच्छा। जरूर कोई ऐसी तरकीब सोचिए ना जो यहाँ से छुटकारा हो जाए। सोच लिया, हम दोनों का छुटकारा हो सकता है। कैसे? तुम समुद्र में छलांग मार दो। गायब को हमारे पीछे लगे ले। वाह 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 वाह, तुम्हारा किस्मत एकदम जोरदार है। अगले जन्म में तुम्हारा सर का ऊपर टोपी का बदले मलबार का ताज होएगा। ये ले। चल बे पुआ, बाबा बोलना नहीं। नहीं नहीं, इधर जोर में दबाना। ए मोटू, क्या कर रहा है? दीदी बहुत अच्छा जोशी है, तो आप भी हाथ दिखाइए। मेरा भी हाथ है। देखेगा काय को नहीं देखेगा। ए आपको एक केले केले वाला हाथ, अति सुंदर, अति कोमल, अति प्यारा हाथ है। परंतु एक कसर है, यदि फर्नीचर के घर में मंगल नहीं आके बैठता तो तुम किसी राजा के दिल में राज करते। राजा राजा की बात छोड़, मुझे ये बता कि मैं जिसे चाहती हूँ क्या वो भी मुझे चाहता है? वो काय को चाहेगा? मेरा मतलब है जरूर चाहता होएगा, काय को नहीं चाहेगा? नहीं चाहता होएगा ना? तो फर्नीचर का दिन एक ब्राह्मण को 5 केला खिला दो, चाने लग जाएगा। क्या सोचते है, इस फर्नीचर का दिन भी है, ब्राह्मण भी है, केला भी है। सच बोलने से पेट नहीं भरता है, अपना बाप सच बोलता है तो मर गया है। हुजूर कुछ बंदोबस्त करो ना, मालूम होता है अपने को काने नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, अभी देखता हूँ। हुजूर जरा नरमी से काम लेना, खाने का मामला है, बहुत भूख लगे ले। ये क्या बदतमीजी है? मगर हुजूर ये कहाँ की तमीज है, किसी शरीफ को मेहमान बनाकर उसकी बात तक न पूछी जाए। तुम मेहमान नहीं, कैदी हो। कैदी? अजी कैदी छोड़, उमर कैदी समझिए, लेकिन कोई हवा पर तो जिंदा नहीं रह सकता। सफाई करते करते दोपहर हो गई, किसी ने नाश्ता तक नहीं पूछा। नाश्ता खा देती, मैं पूछती तुम्हें खाना किसने दिया? मैं पूछता
बताओ मेरा खाना क्यों नहीं भेजा? पहले मेरी बात का जवाब दो। पहले मेरी बात का जवाब दो। जानते हो किससे बातें कर रहे हो? तुम जानती हो किससे बातें कर रही हो? मैं यहाँ के सरदार हूँ। चिल्लाती क्यों? आवाज़! निकलो यहाँ से। अजी जाने दीजिए, तलवार चलाना मर्दों का काम है, जबान चलाइए जबान। छोड़िए, इन तिलों में तेल नहीं रहा। हमें जाने भी दो ये गुस्सा, और बैठ के दो बातें करो। कहो तो हार जाओ। पानी वहाँ ठंडा है, यही ठीक रहेगा। छोड़ दो। किसको? रास्ते को। रास्ते को छोड़ोगी तो डूब जाओगी, आप समझे? डगा मग डोले, मन की नैया डगा मग डोले।
शाबाश कैपिटान, हम तुम्हारी काबिलियत से बहुत खुश हैं। अगर यही रफ्तार रही तो हमारा कदम हिंदुस्तान की आखिरी सरहद को चूमेगा। मैं कह दूं कि मुझे छोड़ दे, मैं जनरल बरबोसा से मिलने चाहता हूं। ये बात सुनिए कैप्टन जोसेफ। तुम्हें क्या हुआ? जहाज, जहाज क्या हुआ? जहाज क्यों डुबा दिया बागियों ने? तुम कहां थे, कैसे डुबाया? बाज, बाज। राजकुमार कहां है? राजकुमार कहां है? एक्सलेंसिया, ये तो मर चुका है। बगावत। राजमाता, इस गहरे सदमे पर अफसोस जाहिर करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। शाह पुर्तगाल की तरफ से दिली हमदर्दी पेश करता हूं। शुक्रिया। हम ये महसूस करते हैं कि इतना बड़ा सदमा राजमाता को राजपाट के काबिल नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं शाह पुर्तगाल की तरफ से 10,000 मोहरों का वजीफा मुकर्रर करता हूँ। और राजमाता की तरफ से मैं शाह पुर्तगाल का शुक्रिया अदा करता हूँ। याद कर रहा है और हमें भी। जुकाम तो हमें भी हो गया है। पानी ठंडा था ना? तुमने अभी तक छलांग नहीं लगाई? बस लगाने ही वाली थी कि हुसूर की छलांग देखकर रुक गई। कहिए मछली फंसी कि नहीं? कांटा तो फेंक दिया, अब देखो फंसती है या नहीं। हुसूर किडनी, कल क्या बातें हो रही थी? किससे? उससे। बहुत तारीफ करता है। किसकी? मासूम की। तू झूठ कहती है। धीरे धीरे दूसरी बहुत बुराई कर रहा था। किसकी? तुम्हारी। कह रहा था तुम्हारी दीदी डाकू है, डाकू। उसने हमारे दिल का चैन आंखों की नींद लूट ली। घटा में छुप के भी बिजली झलक दिखला ही जाती है, जो दिल की बात समझे, जो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है, जो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है, नजर तक आ ही जाती है, नजर तक आ ही जाती है। मोह
मोहब्बत की सदा ऐसी सदा है जिसको सुनते ही मोहब्बत की सदा ऐसी सदा है जिसको सुनते ही बिखर जाती है हाय बिखर जाती है लट चेहरे पे लाली छाई जाती है जो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है नजर तक आ ही जाती है नजर तक आ ही जाती है हाँ किसी ने सच कहा है दिल को दिल से राह होती है किसी ने सच कहा है दिल को दिल से राह होती है कोई कितना भी है कोई कितना भी मुंह फेरे नजर टकरा ही जाती है जो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है नजर तक आ ही जाती है नजर तक आ ही जाती है ये ठंडे मस्त झोंके और ये बहके हुए बादल ये ठंडे मस्त झोंके और ये बहके हुए बादल तबीयत रंगे मौसम आहा वाह वाह तबीयत रंगे मौसम देख कर लहराई जाती है जो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है नजर तक आ ही जाती है नजर तक आ ही जाती है कहिए गाना पसंद आया और सुनो मालूम होता पसंद नहीं आया तुम इतनी बदल क्यों गए उस निशा और इस निशा में इतना फर्क क्यों आखिर तुम्हें हो क्या गया काश तुम समझ सकते समझ गया गलत समझे दीदी वो लड़की भाग गई कौन वही जो अपने आप को डर सजा करके लड़की बता रही थी लेकिन वो जहाज से कैसे भाग गई उसे जरूर हम में से किसी ने मदद दी है वरना वो अकेली कुछ नहीं कर सकती दीदी का मुकाबला करेंगे जहाज मंजिल पर पहुंचना ही चाहिए शाबाश बहादुरो शाबाश कौन है तू तुम्हें देखा है एक बार कहीं देखा है कहा जाने लगे ना जा Thank you.
सुनो निशा, मेरी बात तो सुनो। जितनी दूर जाने की कोशिश करोगी मुझे उतना ही करीब पाओगी। तुम जाओ यहां से, मुझे परेशान ना करो। ये परेशानी तो तुमने खुद पैदा की है निशा। दिल की बात भला कब तक जबान पे न लाओगी? मैं जानता हूं तुम डरती हो, अपने आप से डरती हो। नहीं, ये झूठ है निशा। मैं कहती हूं तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो क्या तुम्हें मुझसे? नहीं, तुम अब तक गए नहीं। सोचा कि तुम्हें फिर बुलाने की तकलीफ ना। मैं जाऊं? कितने बेरहम हो तुम, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। दिमाग कुछ और सोचता है, दिल कुछ और चाहता है। तो फिर किसकी बात मानी गई? मैं दिल की बात नहीं मानूंगी निशा। दिल तो क्या, मैं फर्ज के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। वक्त ने मेरे हाथ में तलवार दी है और मैं तलवार छोड़ के प्यार का दामन नहीं पकड़ सकती। अगर कोई तुम्हारा दामन न छोड़ सके तो उसे मालूम होना चाहिए कि एक मुसाफिर दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता। मगर एक कश्ती पे दो मुसाफिर तो सवार हो सकते हैं निशा। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। हम दोनों इस तूफान का मुकाबला करेंगे। मुझे सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि तुम्हारे फर्ज से भी प्यार है। राजकुमारा क्या हुआ? लहरों में पड़ी कश्ती कभी यूं जाती थी, कभी यूं जाती थी, कभी यूं। रोजिता, तुमने क्या पूछा? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? उसकी नहीं मर्जी थी हुजूर। मर्जी नहीं थी, वो जिस मौके को ढूंढ रहा था उसे निशा की सूरत में मिल गया। खैर, रोजिता, तुम ये बता सकती हो कि तुमने जहाज कहां छोड़ा? ये तो नहीं बता सकूंगी, लेकिन जहाज इन्हें नूर की तरफ जा रहा। आ, ठीक मौत के मुंह में। कैपिटान, स्विट्जरलैंड से मिशेल का जहाज कैनानूर में लंगर डाले हुए, उसे फौरन खबर करो।
कि बाज उसकी तरफ आ रहा है, किसी हालत में बच के ना जाए। यस लंच। मगर ये कब तक होता रहेगा निशा? हम कब तक दुश्मनों के जहाज डुबोते रहेंगे? जब तक हमारे दम में दम है। मगर सर की टक्करों से पत्थर की दीवार नहीं तोड़ी जा सकती। दो चार जहाज डुबोने से पुर्तगाली हुकूमत का बेड़ा नहीं डूब सकता। तो फिर वापस चलो। तुम्हारा दुश्मन बरबोसा है निशा, उसके जहाज नहीं। तुम जिस ताकत का मुकाबला करना चाहते हो उसकी जड़ें समुन्द्र में नहीं बल्कि हमारे वतन की जमीन में समो चुकी है। लेकिन बारपुसे से मुकाबला करने का अभी वक्त नहीं है। यही तो वक्त है निशा। हमें किनारे पे पहुंचकर वतन के बच्चे बच्चे के दिल में इंतकाम का जज्बा पैदा करना होगा। हर बूढ़े और जवान को अपना साथी बनाकर इन पुर्तगालियों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। ठीक है, तो फिर जहाज का रुख किनारे की तरफ कर दो। दे लो। जहाज को रियासत की तरफ मोड़ो। रियासत की तरफ? तुम कौन होते हुक्म देने वाले? ये मेरा नहीं, तुम्हारे दीदी का हुक्म है। लेकिन क्यों, वहाँ तो बारबोसा हमें फांसी दे देगा। ये क्यों हो गया दीदी को? ये सर सजनदी की मेहरबानी। अरे भाई, औरत की अकल इश्क में काम नहीं करती है। हमने क्या हुक्म दिया था? वापसी का। तो फिर देर किस लिए, जबकि हवा हमारा साथ दे रही है? हवा तो साथ दे रही है दीदी, लेकिन वो हमारा साथ देना नहीं चाहते। वो कौन? हमारे साथी जो दुश्मनों से इंतकाम लेते हुए शहीदों की मौत मरना चाहते, लेकिन तुम उन्हें कुत्तों की मौत मरने पर मजबूर कर रही हो। क्या मतलब? मतलब तुम नहीं जानती, किनारे पर पहुंचती बारबोसा सबको फांसी पर लटका देगा। फांसी? हमारे आदमियों को फांसी पर लटकाना बारबोसा के लिए अब इतना आसान नहीं जितना कि पहले था। अब हालात बदल गए हैं दिल्लू। हालात बदले हैं कि नहीं, मगर जब से उस अजनबी ने जहाज पर कदम रखा है तुम जरूर बदल गई हो। क्या बकते हो दिल्लू? वही जो आज तक मेरी आंखें देखती रही है वो तुम पर छा गया है, और तुम कठपुतली तरह उसके इशारों पे नाचने लगी हो। दीदी खबरा, एक लफ्ज भी निकला तो जुबान खींच लूंगी। जाओ, हुक्म पूरा करो, और साथियों से कह दो कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदार मैं हूं। तो बाज ने एक और जहाज डुबो दिया। मालूम होता है सौरत में कोई जादू है। हाँ हजूर, जादू ही तो है। खामोश! क्या हम ये समझ लें कि पुर्तगाल की समुद्री ताकत खत्म हो गई? कैपिटान, इसे ले जाओ। और सुनो, रियासत मुनादी कर दो, जो बाज को गिरफ्तार कराएगा उसे 100 मरे इनाम मिलेंगे।
जा मेरे मोती, बड़ा आया था पंजा लड़ाने वाला। अबे जा 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 जा, कौन ही उठाकर डिड्डी चीतना चाहता है? मैं कहीं गए, मुझे दिन में भी नजर नहीं आता, देखता नहीं मेरी कोनी यही कहीं है। ये मैं नहीं जानता, तू हार गया है। मैं हार गया? मेरे मोती देता या नहीं? मोती गए मगरमच्छ के पेट में, मैं पेट फाड़ के निकालूंगा, समझा? जा जा जा। क्यों लड़ते हो? देखो दीदी, ये मैं जीत गया, मेरे मोती नहीं देता। चलो फिर चलाओ पंजा। देखो दीदी, शाबाश शाबाश, चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। देखा दीदी, हार गए ना, ला मोती। अब देना। दे दे दे, इतनी तकलीफ होती है तो शर्ती क्यों लगाई थी? और कोई है माई का दान? आ जाए मैदान में, पैसा सोना चांदी कौड़ी जिसका जो जी चाहे लगाए। अच्छा, ये बात है? हाँ जी। यार तो हो जाए, खाक हो जाए। हाँ दीदी, हो जाए दीदी, आज तुमसे भी हो जाए। तैयार? दे दो, बड़ा दूर होता है। ना रवि, क्या निशा, क्या ख्याल है? ये कद और ये मैदान, ये बात है दीदी, जीतेगी। लग गई, लग गई, पांच पांच बोले, लग गए, लग गए। चलो चलो, क्या बोलता है? रवि जीते, जीते जीते, रवि जीते, क्या लगाता है? दे लगी तो हो गए। हाँ हाँ, सोच लो। सोच लिया। अच्छा, रवि सोच लिया, रवि 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 रवि, इतना जोर न लगाओ, कहीं कलाई में मोच ना आ जाए। जा जा। बड़ी खूबसूरत लग रही है, कुछ सुन लेगा। ए, जरा मुस्कुरा दो ना। एक बार कहो तो हार जाऊं। दीदी 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 दीदी, मैं पांच घोड़े लाई हूँ सब चुरा के, पर एक तत्ती हूँ अपने लिए, मगर वो अड़ियल है बिल्कुल टिल्लू की तरह। किरणी जी, टिल्लू, और कोई खबर? हाँ दीदी, बाबोसा ने बास के लिए इनाम मुकर्रर किया है। इनाम 50 और 50, पूरी 100 मोहरे उसके लिए जो बास को पकड़ के लाए। और शहर में हलचल मची हुई है, कोई कहता है राजकुमार मर गया, कोई कहता है नहीं वो पुर्तगाल में कैद है। और दीदी, कोई कहता है कि वो पुर्तगाल पहुंचा ही नहीं, उसका जहाज रास्ते में डूब गया। कोई कहता है वो डूबा नहीं, बारबूसा के हुक्म से डुबाया गया है। मगर एक बात जरूर है दीदी, राजकुमार रियासत में नहीं। हाँ दीदी, और बाबोसा ने जसवंत को राजगद्दी देने का फैसला कर लिया है। जसवंत को? ये तो होना ही था। ठीक है, क्या ठीक है? उस गद्दार को राजगद्दी मिल रही हो, तुम कह रहे हो ठीक है। मेरा मतलब था, अब रियासत बिल्कुल पुर्तगालियों के हाथ बिक जाएगी। तो तुम सब कुछ जानते हो? मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोगों के साथ रहते हुए तुम्हें इन बातों की खबर कैसे हो जाती है। तुम हो कौन? तुमसे मतलब? गद्दारों पे नजर रखना मेरा काम है, तुम औरों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में धूल झोंकना आसान काम नहीं। टिल्लू, thank you.
नींद नहीं आई? चिल्लू की बात में नाराज हो गई ना? उसका दिमाग ही खराब है। एक बात पूछ सकता हूँ निशा? जरूर। तुम्हें मुझ पे एतबार है? ये भी कोई पूछने की बात है? मोहब्बत की तो बुनियाद ही एतबार पे कायम है। और तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? ये भी कहना होगा। लेकिन निशा, हो सकता मैं तुम्हारे एतबार के काबिल ना रहूं और तुम्हारी मोहब्बत नफरत में बदल जाए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी मोहब्बत नफरत में बदल जाए? कभी नहीं हो सकता। हर बात मुमकिन है निशा। आसमान हमेशा मोहब्बत करने वालों का दुश्मन रहा है और वो हम दोनों पे भी बिजली गिरा सकता है। मैं उसका भी मुकाबला करूंगा। मेरे साथ। लेकिन निशा, तुम नहीं जानती कि मैं क्या। छोड़ो इन बातों को। नहीं, तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं रहे, बताओ ना। यही कि मैं जो कुछ हूं शायद ना हूं। तुम तो पहले डाल रहे हो। मैं खुद एक पहेली बन गया हूं निशा। जो कहना चाहता हूं वो कह नहीं सकता और अगर कहूं तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। तुम कहो तो सही। अगर कहूं कि मैं राजकुमार हूं तो तुम्हारे दिमाग का इलाज करना होगा। सिर्फ दिमाग का या दिल का भी? इसका भी हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, सो जाओ। कहाँ चलो? सोने नहीं जा सकती। क्यों, डरती हो कि मैं भाग जाऊं? क्या भरोसा तुम्हारा? जब तक हम सो नहीं जाए तुम नहीं जा सकते। अच्छा हुजूर, आपका हुक्म सराह। Thank you.
रवि, मेरे लाल, तुम जिंदा हो। लेकिन रियासत में क्या हो रहा है? बारबोसा कहाँ है और जशवंत? लेकिन तुम बचे कैसे? मुझे एक बहादुर लड़की ने बचाया है माँ, उसका नाम है निशा। निशा? कौन निशा? वही जिसे आप बाज के नाम से जानती हैं। बाज? निशा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ तुम्हारी जान खतरे में है। अगर जशवंत और बारबोसा को मालूम हो गया तो वो जरूर कोई शरारत करेंगे। तुम फिक्र न करो माँ, अब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ निशा भी है और उसके साथी भी। मैं जशवंत को गद्दी पे कभी नहीं बैठने दूंगा। राज गद्दी पर बैठने की हमारी क्या मजाल है हुजूर? मैं तो एक मामूली सेवक हूँ और भाई की सेवा करना अपना धर्म समझता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ नहीं, तुम मुझे इजाजत दीजिए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। दीदी, 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 सुनो, क्या बात है तेलू? आखिर वही हुआ जिसका डर था, वो धोखेबाज निकला। कौन? रवि। तुम्हारा दिमाग खराब है तेलू, तुम्हें तो अपने परछाई में बेगौर। तुम्हारी क्या दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ वो एक गद्दार है। इसका सबूत? मैंने खुद उसे राजमहल के अंदर जाते हुए देखा। राजमहल में? नहीं, तुम्हें धोखा हुआ है। मेरी आंखों ने आज तक धोखा नहीं खाया। तुम मेरे सामने चोर दरवाजे से राजमहल के अंदर गया तो जरूर कोई जासूस या रियासत का बड़ा आदमी मालूम होता है। नहीं, मैं जानता था तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना आएगा। ये मेरा फर्ज था तो मैंने पूरा किया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। दीदी, सोई नहीं, सारी रात आंखों में गुजारती। दीदी, तुम टिल्लू की बातों पर मत जाया करो, तो हमेशा बेपर की उड़ाया करता है। दीदी, रवि तुम्हें कैसे दगा दे सकता है? वो तो तुम्हें चाहता है, बहुत ही चाहता है। चलो दीदी, अब सो जाओ, ज्यादा जागना अच्छा नहीं होगा। Thank you.
बहुत दिनों के बाद हजूर से मिलने का मौका मिला। कहिए, हजूर के मिजाज तो अच्छे हैं। हमें हजूर से ये उम्मीद न थी कि हमारी दोस्ती का बदला दुश्मनी चुकाएंगे। दोस्ती? कैसी दोस्ती? किसकी दोस्ती? सिंह, सिंह पुर्तगाल सिर्फ आपका दोस्त ही नहीं, मोहसिन भी है। उसने आपके बुजुर्गों को जैमोरिन से आजाद करा के ये रियासत दिलाई, क्या ये एहसान नहीं? एहसान? एक चाल थी, फरेब, धोखा। मालूम होता उस छोकरी ने हुजूर को चार ही दिन में सब कुछ सिखा दिया। खामोश। मैं निशा के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। वो एक वतन परस्त, दिलेर और बहादुर। हम उसकी तारीफ सुनने नहीं, उसका पता मालूम करने आए हैं। कहाँ रहती है वो? मलाबार के बच्चे बच्चे के दिल में और शायद हुजूर के दिल में भी। तुम उसका पता नहीं बताओगे? हरगिज नहीं। इस जिद का नतीजा जानते हो? तो सुनो, पुर्तगाल का कानून बागी को जिंदा गाड़ देने का हुक्म देता है। राजमाता आप ही से मिलने आई है। अया, हाँ, मैं तुम्हारे आगे अपना दामन फैलाने आई हूँ बेटी। मेरे आगे? गरीबी का मजाक न उड़ाइए राजमाता। मुझे गलत ना समझो बेटी, दुश्मनों ने धोखे से मेरे बेटे को कैद कर लिया और अब तो मैं क्या करूँ? वो जबरदस्ती उससे तुम्हारा पता पूछ रहे हैं। मेरा पता? और राजकुमार से? हाँ, इसलिए कि वो तुम्हारा साथी रह चुका है। उसकी जिंदगी खतरे में है बेटी। मैं हर तरफ से मायूस होकर तुम्हारे पास आई हूँ, इस तुम ही उसके लिए कुछ कर सकती हो। आप फिक्र न कीजिए राजमाता, मैं उसके लिए जान भी खेल सकती हूँ। राजकुमार, तुमने मुल्क के खिलाफ बगावत की है और रियासत के बागी बात का पता बताने से इनकार किया है, लिहाजा जनरल बारबोसा के हुक्म के मुताबिक तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। Amen.
खाक में ऐसी तदबीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं। नहाया हुआ हूँ खुद अपने लहू में, खुद अपने लहू में नहाया हुआ हूँ खुद अपने लहू में, खुद अपने लहू में। मगर फिर भी बेरंग तस्वीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं। खुश रहो तुम चला मैं तो अहले वतन, खुश रहो तुम रहो खुश रहो तुम। न बैठा निशाने पे वो तीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। निशा मुझे मौत के मुंह से बचा कर लाई। हम इस बहादुर लड़की का एहसान किस तरह चुकाएंगे? निशा नाराज होगी? निशा मुझे ऐसी मामूली लड़की को एक राजकुमार से नाराज होने का क्या है? मामूली तुम नहीं, मैं। मुझ जैसे हजारों राजकुमारों के ताज इस मामूली लड़की के कदमों पे निछावर। बस रहने दीजिए, काफी मजाक हो चुका। मैं जानता था तुम नाराज हो, लेकिन मुझे मनाना भी आता है। मैं अपने आप को छुपाने पे मजबूर था निशा, तुमने मेरी जान बचाकर अपने फर्ज का बोझ हल्का किया। अब आप आजाद हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। बाहर से याद पर काट कर उड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। राजकुमार? राजकुमार नहीं, रवि। कहो रवि, कहो कहो रवि। दीदी खबर मिली कि जसंत को राज गद्दी दी जा रही है और परसों उसका राज तिलक भी होगा। परसों? परसों बारबोसा को खत्म करने का यही मौका है। हाँ चलो, तुम सासे को तैयार करो। लेकिन हमारे पास इतनी ताकत कहाँ है? जो काम ताकत से नहीं हो सकता हम चलाकी से करेंगे। वो कैसे? राज तिलक के दिन मैं साथियों को लेकर शहर पहुंच जाऊंगी
और ताजपोशी के वक्त बरबसा खत्म कर दूंगी। ठीक है, मैं भी रियासत के कोने कोने से मदद लेकर उसी वक्त पहुंच जाऊंगा। ठीक है तिमी, तुम तैयारी करो। जाने वाले को बदल गई वो हवा, पिंजरा तोड़ा के
राजू वो तो कुंदन दीदी हो बास हम तुम्हारी परवास की दाद देते हैं लेकिन शायद तुम एक बात भूल गई कि जब उड़ान ऊंची होती है तो सूरज तुम्हारे पर भी चला सकता है तुम्हें जनरल बारबोसा से टक्कर नहीं लेनी थी हम एक बात की तारीफ जरूर करेंगे हिंदुस्तान की औरतें मर्दों से ज्यादा बहादुर होती हैं लेकिन हमें तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी है तुम्हारा पुर्तगालियों को मालाबार से निकालने का ख्वाब पूरा ना हो सका होगा और जरूर होगा आज नहीं तो कल ये ख्वाब पूरा होकर ही रहेगा क्योंकि अब ये ख्वाब मेरा ही नहीं बल्कि सारे मालाबार का है सलामत रहे हमारे दोस्त अब मालाबार से कौन निकाल सकता है तुम्हारा जुल्म जिसने मालाबार के बच्चे बच्चे के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा करती है तुम मुझे मार सकते हो मेरे इन बहादुर साथियों को खत्म कर सकते हो लेकिन उस जज्बे को नहीं मिटा सकते जो आज हर नौजवान के दिल में तूफान बन चुका है तुम उस राशनी को नहीं मिटा सकते जो रियासत के कोने कोने में फैल चुकी है तुम उस आग को नहीं बुझा सकते जिस पर शोले तुम पुर्तगालियों को राखकर ढेर बना देंगे वो दिन दूर नहीं बार भाषा जब तुम्हारे एक एक जुल्म का बदला तुमसे गिन गिन के लिया जाएगा तुम सीखोगे मगर इंकलाब मेरे हाल में कैसे कैसे लगाएगा तुम चिल्लाओगे लेकिन मौत के साथ तुम्हारे बदल के लिए कोई नहीं आएगा देखते क्या हो लगा दो हाथ बजा दो चिंगारी का हो लगाओ आप
निशा, आंखें खोलो निशा। निशा खत्म कर दिया गया निशा और हमारा वतन आजाद हो गया। सुना तुमने, हमारा वतन आजाद हो गया। वो देखो आजादी का झंडा किस बेचैनी से तुम्हारी निगाहों के लिए तरस रहा। निशा निशा आजादी मुबारक हो। इस आजादी का सहारा तुम्हारे सर है निशा। जनता तुम्हारे नाम की जय जयकार लगा रही। उठो चलो